नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे सिक्स मंथ के ग्राफ को एनालाइज करते हुए, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 14 जनवरी से, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 14 जनवरी से जो है कि लगातार हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। अभी तक हमें 27 जनवरी आज का जो डेट है उस डेट पे भी हमें 5% के आसपास यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं 4.89% का यहाँ पे हमें लगातार डे बाय डे लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का शेयर होल्डर्स है उन सभी के लिए। यहाँ पे क्या क्या अपडेट निकल के आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पे ये जो अपडेट निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी हमको क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, तो इस लोअर सर्किट में क्या आपको क्या करना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं उन सभी को क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर सेल करने से सही रहेगा या फिर होल्ड करने से सही रहेगा, या फिर यहाँ पर बाय भी आप कर सकते हैं, अच्छा खासा बाइंग का मौका निकल के आया है उसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर आप यहां पे शेयर होल्डर हैं फिर भी, अगर नहीं है फिर भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ऐसा ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस से भरी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा इधर ध्यान दीजिएगा डे एंड सेशन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डे एंड सेशन में कितना है, 22 रुपये 35 पैसे यहाँ पे लॉकिंग प्राइस है। प्रीवियस क्लोज कितना हुआ था आप देख सकते हैं, 23 रुपये 50 पैसे यहाँ पे प्रीवियस क्लोज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे परसेंटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.89% का हमें डे बाय डे लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। पर शेयर हमें कितना, पर शेयर हमें 1.15 रुपये का नुकसान पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब 1 रुपये पर शेयर एक दिन में हमें नुकसान देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा लोअर सर्किट जाने का जो वजह है, अगर हम रीज़न की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा हमें रीज़न निकल के आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 24 तारीख के बाद से 25 और 27 दो दिन में फिर से हमें लोअर सर्किट देखने को मिला था, लेकिन आज के डेट पर हमें अपर सर्किट, मतलब यहाँ पर जो शेयर है वो सपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकता था, लेकिन यहाँ पे एक रीज़न ऐसा, एक यहाँ पे एक ऐसा न्यूज़ आया जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहाँ पे भी हमें सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उस न्यूज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे बीएससी के ऊपर हम चले जाते हैं। बीएससी में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, जी हाँ दोस्तों, फिर से जो है कि ऊर्जा ग्लोबल में हमें डायरेक्टर की तरफ से इनसाइडर ट्रेडिंग दिखाई दिया है। ये जो है सबसे बड़ा यहाँ पे रीज़न हो जाता है जो है कि हमें फिर से लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं 24 तारीख को, जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे अगर नज़र डालेंगे तो दिखाई देगा, या देखिए 24 तारीख को यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है। देखिए डिस्पोजल, ठीक है, तो डिस्पोजल का यहाँ पे मतलब होता है कि सेल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 24 तारीख को फिर से जो है कि सेल किया गया है। कितना, अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे 3,82,000 का यहाँ पे क्वांटिटी, 3,82,000 के आसपास यहाँ पे जो है कि शेयर को यहाँ पे बेचा गया है। जी हाँ दोस्तों, उसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 94 लाख, जी हाँ दोस्तों, करीब करीब 1 करोड़ के आसपास हमें उसका वैल्यू निकल के आ रहा है, जो कि प्रमोटर यानी कि इसका डायरेक्टर जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पुनीत कुमार पोहेल, जो है कि पहले भी हमें इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन फिर से हमें जो है कि इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ नज़र आया है। कितने डेट को, 24 तारीख को, इस ये जो 24 तारीख को ट्रेडिंग किया था उसका जो हमें अपडेट दिया गया है कितने तारीख को, यहाँ पे अगर हम नज़र डालेंगे तो दिखाई देगा 25 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, 24 तारीख को ट्रेडिंग हुआ, 25 तारीख को हमें पास न्यूज़ आया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो 27 तारीख को हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता था ये जो शेयर है, लेकिन फिर से जो है कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है उन सभी ने पैनिक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि अगर हम बात करें तो
जो प्रमोटर है वही अपना शेयर बेच रहा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर कब शेयर बेचता है या फिर क्यों शेयर बेचता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारा रूमर्स भी आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर से लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पैनिक होने की कोई भी बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो है कि सेल क्यों किया गया है, उसकी अगर हम पर्सनल यहाँ पे राय दे तो फिर आप समझ ही सकते हैं। अगर ये चार्ट के ऊपर अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले इतना कम, मतलब इतना कम रेट था इस शेयर का, वो क्या हुआ एक ही महीने में इतना ज़्यादा, सिक्स मंथ की अगर हम बात करें तो सिक्स मंथ में इतना ज़्यादा रिटर्न बहुत ही कम शेयर दे पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिटर्न आया है उसको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का एक ही रीज़न है, यहाँ पे अच्छा खासा मनी यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अच्छा खासा यहाँ पे मनी अर्न कर सकते हैं, उसी का यहाँ पे रीज़न हमें देखने को आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पर्सनल राय दूँ तो ठीक है, तो इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस या फिर आप अनाउंसमेंट या फिर न्यूज़ नहीं आया है। मैं यहाँ पे अपना पर्सनल राय देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है कि हमें इंक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा था, इसीलिए यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग करके अच्छा खासा यहाँ पे पैसा जो है कि निकाल दिया गया है। अगर यहाँ पे जो प्रोमोटर्स होल्डिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग कितना है, 31%, लगभग 32% के आसपास, जो कि हमें प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा कम जाने से कोई भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि थोड़ा सा इनसाइडर ट्रेडिंग किया गया है, अच्छा खासा मनी को यहाँ पर रिटर्न लेकर आया गया है, अच्छा खासा मनी अर्न किया गया है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कि प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा बहुत कम हो जाने से भी कोई भी डिफरेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात हो गया रूमर्स की, तो ये जो मतलब ये जो न्यूज़ आया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स भी फैल रहा है कि आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि ऊर्जा ग्लोबल बंद होने वाला है, इसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये सब यहाँ पे जो है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा असलियत में कुछ है ही नहीं। तो उसी को यहाँ पे क्या हुआ है, उसी को क्लैरिफिकेशन करते हुए ऊर्जा ग्लोबल में एक जो यूट्यूब चैनल है उसी में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दिया है। अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, 2 साल पुराना उसका यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, ऊर्जा ग्लोबल करके सर्च कीजिएगा, फिर आपको दिख जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको दिख जाएगा ऊर्जा ग्लोबल लोगों के साथ, उसका चैनल का नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जो रूमर्स फैल कर आया है वो रूमर्स यहाँ पे जो है कि आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, वाइज यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल, सबसे पहले तो आप यहाँ पे मान के चलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है यहाँ पे, तो ये जो रूमर्स छोटा मोटा आ रहा है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे रूमर्स आया है तो सुथरा हुआ, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि ये रूमर्स ही है या फिर सच्चाई है। यहाँ पे आपको निवेश करने से पहले आपको तो सब कुछ जैसे कि रिसर्च किया है, बिल्कुल वैसे ही आपको फिर से कोई भी न्यूज़ आता है, गलत न्यूज़ है या फिर सही न्यूज़ है, उसको आपको क्लैरिफिकेशन के साथ देखना पड़ेगा, उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा क्या ये सही है, उसके बाद ही कुछ आप एक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है न्यूज़ आया जल्दी से बेच देते हैं, नहीं तो यहाँ पे फिर से हमारा पैसा जाएगी फंस जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी के बात के ऊपर भी नहीं आना है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ मैं भी सही कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भी यहाँ पे विश्वास नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं विथ प्रूफ दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं नहीं दिखाता हूँ तो फिर आप खुद से जाकर यहाँ पे वेबसाइट में बिल्कुल आसान है जाकर देख पर एक बार चेक करके रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अभी के रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि ये जो ऊर्जा ग्लोबल है, पहले तो आपको पता ही था कि यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अपना जो बिज़नेस है वो लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे उसके ऊपर बिजनेस कर रहा है, और यहाँ पे जो है कि स्कूटी लेकर आ गया है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, चार्जिंग स्कूटी वाला लेकर आया है, कार लेकर आया है, तो ये सब जो है कि यहाँ पे अपना बिजनेस को बढ़ा रहा है। और फंडामेंटल जिस कंपनी का अच्छा होता है, या दोस्तों फिजिकली आप अगर देखना चाहे तो ऊर्जा ग्लोबल की जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको एड्रेस भी दिया गया है, आप खुद जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन किया गया है, तो आप खुद जाकर भी वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी डरने की बात नहीं है, अच्छा खासा कंपनी है यहाँ पे जो है कि अगर हम बात करें ये
फंडामेंटल की, तो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो भविष्य में रिटर्न आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पे कि आंख मूंद के भरोसा कर लो। कुछ भी करने से पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, जो भी सर्च करोगे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला होगा। ठीक है, अगर हेल्प मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस से भरी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो किसके बारे में है, यहाँ पे इतना ज़्यादा लोअर सर्किट क्यों जा रहा है उसके बारे में हमने बताया है। और यहाँ पे जो है कि 27 तारीख को जो सपोर्ट आने का चांसेस बन के आ रहा था वो सपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आया है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पे एनालाइज करने से पहले, उसके ऊपर कुछ कमेंट करने से पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। NSE के डेटा के ऊपर लेकर आया हूँ। अगर आप यहाँ पे बाइंग प्रेशर को देखें तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए बाइंग प्रेशर यहाँ पे कितना बना हुआ है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज होने से पहले, थोड़ी देर पहले यहाँ पे लगभग 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, जो कि हाँ यहाँ पे प्राइस की अगर हम बात करें तो 22.40 रुपये, 22.45 रुपये, 22.50 रुपये पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग के लिए लगाया गया था। लेकिन हालाँकि ऐसा नहीं हुआ, 35 पैसे से ऊपर नहीं गया मार्केट। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 35 रुपये पे कितना लॉक हुआ पड़ा हुआ, लॉक हुए पड़ा हुआ है यहाँ पे 75,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अभी अटका पड़ा हुआ है। कल मार्केट ओपन होते ही जो है कि यहाँ पे हमें ये जो शेयर है वो सेल होता हुआ नज़र आएगा, फिर से हमें लोअर सर्किट थोड़ा सा देखना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो अगर थोड़ा बहुत रेवेन्यू कमाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ेगी कि अगर आपके पास बहुत सारा शेयर है तो आप कुछ शेयर यहाँ पे सेल करके जो कि अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं, और फिर से जब लोअर सर्किट जाएगा वहाँ पे आप अपना फिर से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी तो लोअर सर्किट आ रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ भी झमेला नहीं करना है, डायरेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए लगा दिया है तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे आपके पास अगर ज़्यादा शेयर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अर्निंग करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश कीजिए, जब तक यहाँ पे थोड़ा सा अपर सर्किट आएगा सेलिंग कर दीजिएगा, बस यहाँ पे आपका जो है कि अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ का आप अगर ग्राफ को देखेंगे लगभग 200% के आसपास हमें 21 पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें एक अर्निंग जनरेट करता हुआ दे सकता है ये कंपनी। ठीक है, तो फिर से जब यहाँ पे लोअर सर्किट तो लग ही गया है, तो जब बहुत ज़्यादा लोअर आ जाएगा फिर अपर सर्किट के दौर जब चालू होने से थोड़ी देर पहले यहाँ पे एनालाइज करने के बाद यहाँ पे आप जो है कि फिर से एंट्री ले सकते हैं। उससे क्या होगा, फिर से जो है कि आपका अपर सर्किट लग जाएगा और यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, और पिछले सेलिंग के बाद आप यहाँ पे अच्छा खासा ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर पाए होंगे। ठीक है, तो उसी स्ट्रेटजी से अगर आप यहाँ पे वर्क करते हैं तो फिर आपको अच्छा खासा अर्निंग भी यहाँ पे हो जाएगा, और आपका जो शेयर है वो भी यहाँ पे बचा रहेगा। और जिसका पास कम शेयर है वो यहाँ पे अगर आप जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर किए हुए होंगे, तो उन सभी को मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो यहाँ पे अगर आपका अच्छा खासा भी प्रॉफिट मार्जिन दे चुका है तो अगर आप एग्जिट होना चाहे तो हो सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर लॉसेस पर चल रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल भी एग्जिट मत होइएगा, फिर से जो है कि अपर सर्किट का दौर जल्दी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है अभी तक। ठीक है, तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला होगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में टॉपिक के साथ।